नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बिपिन टेक। हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी कंफर्म टिकट ही ऐप से ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं तो आप इसका मतलब समझ लीजिए। आप यहां पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नो प्रेफरेंस। जब आप टिकट बुकिंग करने जाते हैं, पैसेंजर डिटेल्स जहाँ पर आप मैंसन करते हैं वहाँ पर आपको नाम डालना होता है, एज डालना होता है, लेकिन आपको वहाँ पर एक ऑप्शन आता है बर्थ प्रेफरेंस का और यहाँ पर लिखा हुआ है नो प्रेफरेंस। यानी बर्थ प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्या ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार पांच प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, लेकिन जब आप वेटिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपका यह ऑप्शन काम नहीं करता है, यह सिर्फ कन्फर्म टिकट में ही काम करता है। तो आज के हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि नो प्रेफरेंस और बर्थ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको ऐसे ही रेल संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। आप यहां पे देख सकते हैं कि कोलकाता से मुझे हावड़ा जाना है, मैं यहां से कोई एक डेट को सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको जो डेट में जाना हो आप अपने हिसाब से वो डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, मैं 30 जून को डेट को सिलेक्ट किया। हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। सर्च ट्रेन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ट्रेन का ऑप्शन चार्ट आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेट को मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ पर बहुत सारे ट्रेन का चार्ट आ गए हैं। तो आप यहाँ से 30 के बाद 1 जून 1 जुलाई यानी 3-4 दिन और आप एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ट्रेन को सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 जून 13 जून 14 जून तक यहाँ पे आ गया। अगर आप मान लो कि फर्स्ट वाला में वेटिंग है या फिर चांस नहीं है सीट मिलने का, तो आप यहाँ से दूसरा डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसे स्लीपर को बुकिंग करना है तो मैं देखता हूँ कि स्लीपर कहाँ है। तो यहाँ पर स्लीपर का वेटिंग चल रहा है, तो चलिए मैं एसी वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। हम जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो आप ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंजिंग स्टेशन से आप यहाँ से बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। पैसेंजर डिटेल्स में ऊपर में आपको नाम डालना होता है, आप मेल फीमेल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप जेंट्स का टिकट बुकिंग कर रहे हैं कि लेडीज़ का। अगर आप लेडीज़ का टिकट बुकिंग करते हो तो आप यहाँ से मेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर नाम अपना डाल देता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है फुल नाम। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद चलिए मैं यहाँ से एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो मेरा एज है मैं यहाँ पे एज डाल दिया। एज जैसे ही डाला था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे नो प्रेफरेंस लिखा हुआ है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्थ प्रेफरेंस में हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर 5 ऑप्शन और आ जाते हैं। फर्स्ट में है नो प्रेफरेंस का ऑप्शन, फिर है यहाँ पर लोअर बर्थ का ऑप्शन, थर्ड में है मिडिल बर्थ का ऑप्शन, फिर 4 में है ऊपर बर्थ का ऑप्शन, फिर है साइड लोअर, फिर साइड ऊपर का ऑप्शन है। तो चलिए, मैं फर्स्ट वाला के बारे में पहले बता देता हूँ कि नो प्रेफरेंस को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें कैसा सीट मिलेगा या फिर इससे क्या होगा। अगर हम नो प्रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं तो हम जब टिकट बुकिंग करेंगे तो हम अपने हिसाब से हमारा जो सीट है वो नहीं मिलेगा, वो रेलवे पर निर्भर पड़ेगा कि वो आपको सीट कहाँ पर देता है। अगर आप इसी को लोअर बर्थ को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सीट खाली है तो आपको लोअर बर्थ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको नीचे वाला सीट दे दिया जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं लोअर बर्थ को, तो अगर आप मिडिल बर्थ को सिलेक्ट करते हैं तो आपको बीच वाला सीट दिया जाएगा, अगर आप ऊपर बर्थ को सिलेक्ट करते हैं तो आपको सबसे ऊपर वाला सीट दिया जाएगा अगर सीट खाली रहता है तो। अगर आप ऐसे ही साइड डोर को सिलेक्ट करते हैं तो जो 2 सीट होते हैं खिड़की के तरफ, जो RSC सीट जो जुड़ के बनते हैं, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं साइड लोअर को तो वो सीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं रहता है क्योंकि वो RSC होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो साइड लोअर सीट आपको दे ही दिया जाएगा। अगर आप साइड ऊपर को सिलेक्ट करते हैं तो जो सीट साइड लोअर होता है यानी RSC के ऊपर वाला जो सीट होता है उसको बोलते हैं साइड ऊपर। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं अगर सीट खाली रहता है तो ये सीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने वीडियो में बताया था कि यह वेटिंग में काम नहीं करता है, यह ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होता है। वेटिंग में यह ऑप्शन सिलेक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वेटिंग सीट खाली नहीं होता है, सीट पूरा फुल हो जाता है इसके बाद वेटिंग चलता है। सीट खाली रहेगा तभी तो आपको
आपके हिसाब से सीट को प्रोवाइड किया जाएगा। जब सीट ही खाली नहीं रहेगा तो आपको सीट आपके हिसाब से कैसे मिलेगा। अगर कोई भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वेटिंग में आपको सीट को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि सीट मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि सारे सीट फुल हो जाते हैं। अगर सीट खाली रहता है तभी यह ऑप्शन को सिलेक्ट करने में अच्छा होता है। इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल करके, पिन कोड एड्रेस डाल करके, फिर पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके आप आसानी से पेमेंट करके टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर टिकट बुकिंग करते होंगे तो आपको ये सब तो पता ही होगा। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।